है, एक ऐसा खेल जो किसी की जिंदगी और मौत मुकर्रर करता हो, एक ऐसा खेल जिसमें बेशुमार पैसा, एक ऐसा खेल जिसकी साजिश 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में रची गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा तो सच जान सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई आम बांग्लादेशी नहीं थे, बल्कि ये थे किडनी के सौदागर, जो दिल्ली के एक नामी डॉक्टर और उसके कंपाउंडर के साथ मिलकर करीब 500 किडनी खरीद बेच चुके थे। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में साजिश, भारत में ऑपरेशन। किडनी का काला कारोबार। किडनी चोर गैंग का सनसनीखेज सच। दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक ऐसी साजिश रची गई जिसे रचने वाले भी हिंदुस्तानी थे और उसे अंजाम भी भारत में ही दिया गया। ये साजिश थी किडनी के काले कारोबार की। दिल्ली एनसीआर में किडनी का अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यारोपण नेक्सस चल रहा था, उसका भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली और नोएडा के दो नामचीन हॉस्पिटल हैं, उनके डॉक्टर और उनके कर्मचारी समेत बांग्लादेश के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आपको बता दें, करीब 500 लोगों का पिछले कई वर्षों में ट्रांसप्लांट किया गया, और इसमें खास बात यह है कि बांग्लादेश से डोनर नौकरी के नाम पर बुलाया जाता था, उसके बाद उसका पासपोर्ट जब्त किया जाता था, और पासपोर्ट जब्त करने के बाद प्रेशर बनाया जाता था कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाए, उसके बाद ही नौकरी मिलेगी। 16 जून 2024, जसोला गांव, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को खुफिया विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि एक गैंग के लोग अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के काले धंधे में शामिल हैं। यह खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। अब बारी थी सूचना की पुष्टि करने की। इन्फॉर्मर की खबर कंफर्म होते ही 16 जून को एसीपी क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में 3 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और पुलिस के जवान थे। इसी रोज टीम ने जसोला गांव में छापेमारी की तो सबके होश उड़ गए। इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त रसेल, रुकोन, सुमन मिया के तौर पर की गई। ये तीनों बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, जबकि एक आरोपी की पहचान रतेश पाल के तौर पर की गई, जो त्रिपुरा, भारत का रहने वाला है। इन चारों को पकड़कर पुलिस टीम ने पूछताछ का सिलसिला शुरू किया तो किडनी लेने और देने वाले सभी के चेहरे एक एक कर उजागर होते चले गए। जी, हमने हमारी आईसी यूनिट क्राइम ब्रांच ने एक जो इंटरनेशनल किडनी रैकेट जो हमने पकड़ा है, इसमें 7 लोग गिरफ्तार किया है। इसमें बांग्लादेशी नेशनल इन्वॉल्व थे, जो कि पेशेंट भी बांग्लादेशी होते थे, डोनर भी बांग्लादेशी होते थे। तो इनका जो मास्टरमाइंड था रसेल और उसके 2 साथी, वो गिरफ्तार हुए। उनका एक इंटरप्रेटर दोस्त जो इंडियन था, और एक डॉक्टर और उनके 2 डॉक्टर के स्टाफ। तो टोटल 7 हमने गिरफ्तार किए हैं, जो कि ये किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बारी थी किडनी कांड के नेक्सस को समझने की, लिहाजा पुलिस ने एक एक कर कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। इस खेल का मास्टरमाइंड 29 साल का रसेल है, जो बांग्लादेश के कुश्तिया का रहने वाला है। यानी रसेल ही पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड है। ये गिरोह बांग्लादेश के डायलिसिस सेंटर से शिकार चुनता था। नौकरी के नाम पर डोनर को दिल्ली लाया जाता। अल शिफा नाम की ट्रैवल कंपनी इन डोनर्स के रहने खाने का इंतजाम करती। फिर एक फ्लैट में डोनर रिसीवर की मुलाकात कराई जाती। इसके बाद एक नामी डॉक्टर के पास डोनर्स को ट्रांसप्लांट के लिए भेज दिया जाता था। इनका मोटा मोटी यही था कि ये बांग्लादेश से जरूर इन्वॉल्व थे, और बांग्लादेशी नेशनल्स भी, जैसे मैं बताया, इन्वॉल्व थे। ये वहीं से लाते थे पेशेंट्स को और यहाँ पे उनको रुकवाते थे, उनके कागज वगैरह फर्जी बनवाते थे,
जो भी रिक्वायरमेंट होती है पेपर वर्क की वो करते थे, टेस्ट कराते थे और ट्रांसप्लांट करा देते थे। जनरली वैसे तो केस टू केस वेरी करता था, बट जनरली जो पेशेंट है वो 20 से 25 लाख रुपए देता था अपने ट्रांसप्लांट के लिए। तो उसी में फिर ये आगे जो भी हॉस्पिटल की फीस है उसी से डॉक्टर अपना रखते हैं, और बाकी जो नीचे लोग कागज वगैरह बनाने के लिए लोग अपना कमीशन वगैरह उसी में से करते हैं। सूत्रों की माने तो रसेल ने दिल्ली के जसूला गांव में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस किराए के फ्लैट में 5 से 6 डोनर रह रहे थे। ट्रांसप्लांट से पहले की सभी जांचें पूरी कर ली गई थी, लेकिन एन पहले पुलिस की रेड में सब रंग के हाथों पकड़े गए। छापेमारी के दौरान रसेल के कमरे से एक बैग जब्त किया जिसमें 9 पासपोर्ट, 2 डायरिया और एक रजिस्टर था। 9 पासपोर्ट डोनर और रिसीवर के थे और रजिस्टर में पैसे की लेन देन की जानकारी थी। इसके अलावा पुलिस ने मोहम्मद रोकोन के कमरे से भी एक बैग जब्त किया जिसमें 20 स्टाम्प और 2 स्टाम्पिंग पैड थी जो शायद नकली दस्तावेज बनाने के लिए थी। इस कहानी में सबसे बड़ा खेल पैसे का है, जरा इस खेल को भी समझ लीजिए। किडनी चोर का ये सौदा करीब 25 से 30 लाख में होता था। डोनर को करीब 4-5 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि डॉक्टर को करीब 2-3 लाख रुपए दिए जाते थे। फर्जी दस्तावेज पर करीब 50 से 60 हजार रुपए खर्च होते थे। ट्रैवल कंपनी को करीब 20 से 25% पैसे दे दिए जाते थे, जबकि मास्टरमाइंड रसेल के हिस्से में 8 से 10 लाख रुपए आते थे। जो मेन जो आरोपी है वो तो बांग्लादेशी है, और इस मामले में जो जो डॉक्टर का नाम आया, डॉक्टर विजय का नाम आया, पिछले कई सालों से 15 साल से वो अपोलो में कार्यरत ही हैं, लेकिन वो ग्रेटर नोएडा, नोएडा में कुछ अस्पतालों का नाम आया, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल का नाम आया, तो किस तरह से उस हॉस्पिटल की भूमिका रही है, क्या हॉस्पिटल के अन्य लोगों की भूमिका भी तलाशी जाएगी, या अस्पताल प्रशासन को आपने कोई खत लिखा है या जानकारी आपने मांगा है? नहीं बिल्कुल, जो भी ट्रांसप्लांट है वो होगा तो हॉस्पिटल में, और अभी तक कोई उस तरह से जितनी भी जांच हुई उसमें अभी ऐसा और किसी का कोई लिंक नहीं आया है। यानी किडनी को अपना धंधा बनाने वाले रसेल इस काले कारोबार से खूब पैसा छाप रहा था, जबकि वो खुद कभी किडनी डोनर रह चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में हुए हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस मिहिर शाह से पूछताछ में जुटी और ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर हादसे की पूरी हकीकत क्या है। तो वहीं जिस बार में आरोपी ने शराब पी थी वहां बुलडोजर चला, ये रिपोर्ट देखिए। हिट एंड रन के आरोपी मिहिर शाह पर शिकंजा। ठाणे से गिरफ्तार कावेरी नखवा का गुनहगार। बहत्तर घंटे बाद पुलिस के ट्रैप में कैसे फंसा मिहिर शाह? वर्ली हिट एंड रन की Inside story. जिस रईस जादे मेहर शाह ने एक परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया, अब वही मेहर शाह पुलिस के शिकंजे में है। पूरे 3 दिन बाद आखिरकार पुलिस ने मेहर शाह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। मेहर शाह को ठाणे के शाहपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भागने से पहले मिहिर ने अपनी कार को बांद्रा में छोड़ दिया था और ड्राइवर राज ऋषि को कलानगर के पास छोड़कर चला गया था। पुलिस ने मिहिर शाह की महिला मित्र का भी बयान दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि आरोपी मिहिर शाह अपनी महिला के गोरे गांव में मौजूद घर में छिपा था। इतना ही नहीं, पुलिस को इस बात का भी संदेह है कि मिहिर की महिला मित्र ने ही उसे भागने में मदद की। जानकारी के मुताबिक पुलिस इस मामले में अब तक 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच पुलिस ने मिहिर शाह की दोनों बहनों, माँ और उसके दोस्त अवदीत को भी डिटेन किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस हादसे के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को
कैसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल रविवार को सुबह करीब 5:30 बजे मेहर शाह की गाड़ी ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद से आरोपी मेहर शाह फरार था और उसके पीछे 6 टीमों को लगाया गया था। मेहर शाह को पकड़ने में इसलिए भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि घटना के बाद से मेहर, उसकी माँ और बहनों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था, इसलिए पुलिस ने मेहर के करीबी दोस्त का नंबर सर्वेलेंस पर रख दिया था। जैसे ही मेहर शाह ने अपने दोस्त का फोन ऑन किया, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पता ये भी चला है कि इन 3 दिनों में मेहर, उसकी माँ और दोनों बहनें लगातार होटल बदल रहे थे। उधर इस हादसे में पीड़ित परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार की तरफ से लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। मेरे साहब ने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला, अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती, के बताओ रिवर्स में डालती तो वो बच नहीं जाती। हर न्यूज पे अलग अलग आ रहा है, उसको बहुत लगा है। आई सॉ हर विद माय आई हॉस्पिटल, आई सॉ हर, शी इज इन रियली बैड पेन, आई वांट हर जस्टिस। वर्ली में हुए हिट एंड रन केस की कहानी शिवसेना शिंदे गुट के नेता से भी जुड़ी है। यही वजह है कि मेहर शाह की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सीसीटीवी फुटेज जिसका अधिकार प्रदीप नाकवा जी का है, उनको सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द मिलने का काम हो। और इस केस में जैसा हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो पूरा लापरवाही हुई है, इसमें कोई राष्ट्रीय हस्तक्षेप तो नहीं था, इसकी भी पूरी तरह से जांच हो। अभी उसका कुछ नहीं होने वाला है, जिसने ये सब काम किया उसका कुछ नहीं होने वाला है। आगे जाके ये भी बोलेंगे कि ये ड्राइव कर ही नहीं रहा। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ में जुटी है ताकि रविवार को हुए हादसे की पूरी कहानी सामने आ सके।